शहर में बेलगाम डाकू को पुलिस की पहुंच से दूर। घोड़ा अस्पताल के करीब दिन दहाड़े डाकुओं ने मियां बीवी को लूट लिया। शहरी राणा यू बैंक से 3.5 लाख निकलवाकर घर जा रहा था। उधर बरकी के इलाके में डाकुओं ने कार सवार शहरी को लूट लिया। डाकू कार सवार शहरी से मोबाइल फोन नकदी लूटकर फरार। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजरियां पर आ गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की शहर में बेलगाम डाकू पुलिस की पहुंच से दूर। घोड़ा अस्पताल के करीब दिन दहाड़े डाकुओं ने मियां बीवी को लूट लिया। शहरी राणा यू बैंक से 3.5 लाख निकलवाकर घर जा रहा था। उधर बरकी के इलाके में डाकुओं ने कार सवार शहरी की मालो दौलत लूट ली। डाकू कार सवार शहरी से मोबाइल फोन नकदी लूटकर फरार। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजरियां पर आ गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मंसूख कराने के लिए कमेटी कायम। कमेटी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर जमानत मंसूखी के लिए राय देगी। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा कमेटी के सरबराह मुकर। वजीर सेहत यास्मीन राशिद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा मेंबर होंगे। और मरीम नवाज का नाम ईसीएल से निकलवाने का केस। नवाज शरीफ की रिपोर्ट को केस का हिस्सा बनाने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर। मरीम नवाज ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को कोरोनरी एंजियोग्राफी जल्द अज जल्द करवाने की सिफारिश की गई। शहर में बेलगाम डाकू को पुलिस की पहुंच से दूर। घोड़ा अस्पताल के करीब दिन दहाड़े डाकुओं ने मियां बीवी को लूट लिया। शहरी राणा यू बैंक से 3.5 लाख निकलवाकर घर जा रहा था। उधर बरकी के इलाके में डाकुओं ने कार सवार शहरी को लूट लिया। डाकू कार सवार शहरी से मोबाइल फोन नकदी लूट कर फरार। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजरियां पर आ गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की शहर में बेलगाम डाकू पुलिस की पहुंच से दूर। घोड़ा अस्पताल के करीब दिन दहाड़े डाकुओं ने मियां बीवी को लूट लिया। शहरी राणा यू बैंक से 3.5 लाख निकलवाकर घर जा रहा था। उधर बरकी के इलाके में डाकुओं ने कार सवार शहरी की मालो दौलत लूट ली। डाकू कार सवार शहरी से मोबाइल फोन नकदी लूटकर फरार। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजरियां पर आ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मंसूख कराने के लिए कमेटी कायम। कमेटी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर जमानत मंसूखी के लिए राय देगी। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा कमेटी के सरबराह मुकर। वजीर सेहत यास्मीन राशिद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा मेंबर होंगे। और मरीम नवाज का नाम ईसीएल से निकलवाने का केस। नवाज शरीफ की रिपोर्ट को केस का हिस्सा बनाने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर। मरीम नवाज ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को कोरोनरी एंजियोग्राफी जल्द अज जल्द करवाने की सिफारिश की गई।